फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानो। आज मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं चिकन स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 400 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन लिया है, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे कुकर में डाल दूँगी। इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। वन टीस्पून के जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1/4 कप के जितना। और मैं इसमें विजल ले लूंगी। इसे मैं कवर करके इसमें मैं विजल ले लूंगी, 2 विजल ले लूंगी। चिकन बॉईल हो चुका है, अब मैं इसे शेड कर लूंगी और मैं बाकी की तैयारी कर लूंगी। मैंने चूल्हे में कढ़ाई रख दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून की जितना ऑयल डालूंगी। मैंने 1 टेबलस्पून की जितना ही ऑयल लिया है, ऑयल ज्यादा नहीं पड़ता स्प्रिंग रोल्स में। मैंने 4 मीडियम साइज के ऑनियन को चॉप कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने बारीक चॉप किया है। इसे मैं सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करूंगी, ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी ऑनियन को मैं। ऑनियन ट्रांसपेरेंट होने आ चुके हैं, अब मैं इसमें वेजीज डाल दूंगी। मैंने कैबेज और कैरेट लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इन सारी चीजों को मिक्स कर दूंगी। इसे भी मैं थोड़ी देर तक फ्राई कर लूंगी, ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी, थोड़ा ही फ्राई करूंगी, वरना इसकी क्रंचीनेस खत्म हो जाएगी। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। मैंने 1 टीस्पून की जितना रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स लिया है। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें मैं 1/2 टीस्पून की जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। इसमें मैं 1/4 टीस्पून की जितना हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी। अब मैं इसमें चिकन स्टॉक डालूंगी। ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाए, वरना कच्ची बास आ जाएगी।
अब मैं थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालूंगी, सिर्फ हाफ टीस्पून के जितना, और हाफ टीस्पून के जितना सोया सॉस डालूंगी। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए। अब मैं इसमें आधे नींबू का रस डालूंगी। और स्प्रिंग ऑनियन डालूंगी, हरी प्याज डालूंगी थोड़ा सा। अब मैं ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें कैप्सिकम डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। स्प्रिंग ऑनियन की फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे फिल करना स्टार्ट करूंगी। फिलिंग ठंडी हो चुकी है, अब मैं रोल्स को उभरना स्टार्ट करूंगी। मैंने होममेड शीट बनाया है, मैंने शीट घर में ही बना लिया है। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो डाल दिया है शीट बनाने का, आप उसमें से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं फिलिंग ले लूंगी, इसको ऐसे बीच में रख दूंगी, इसे मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा करके फैला दूंगी। इसको मैं दोनों तरफ ऐसे मोड़ दूंगी। आप इसे टाइट मोड़िए वरना ऑयल अंदर चले जाएगा। और इसे ऐसे लाई लगा दूंगी इसके एजेस पे। ऐसे ही करके मैं दूसरा भी भर दूंगी। ऐसे ही करके मैं सारे रोल भर दूंगी। मैंने रोल को फिल कर लिया है, अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। मैंने चूल्हे में ऑयल रख लिया है, ऑयल गर्म होने आ चुका है। मैं धीरे धीरे करके एक एक रोल डालते जाऊंगी। धीरे से मैं इसे पलटा से जाऊंगी। रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल दूंगी।
ऐसे ही करके मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। मैंने रोल को फ्राई कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।